हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं सूजी की इडली। इस इडली की सबसे ख़ास बात यह है कि आपके मन में ख्याल आए कि इडली बनाना है और आप इसे बना सकते हैं। इसे धोने या पीसने का झंझट नहीं होता और सबसे बड़ी बात है कि ये 10 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं और पसंद आने पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रेसिपी बहुत आसान है, स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इडली मेकर को तेल से ग्रीस कर लें। अच्छी तरह से तेल इसके चारों तरफ लगा लें ताकि इडली निकालने के वक्त ये इडली मेकर में चिपके नहीं। एक बड़े से बोल में एक कप सूजी डालें और इसी कप से एक कप दही का भी इंतज़ाम रखें। ये एक मीडियम साइज़ का कप है जिसमें हम डेली चाय पीते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई करी पत्ता डालें और साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डालें। आप इसमें अपने पसंद का भी कुछ फ्लेवर मिला सकते हैं। अब इसमें मैंने 3/4 कप दही डाला है और थोड़ी सी दही बचा कर रखी है, अगर ज़रूरत होगा तो डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगता है तो हमें बचा हुआ दही को मिला लेना होगा और मैं यहाँ पर बचे हुए दही को मिलाकर इसे फिर से फेंट रही हूँ। तो अब एक कप सूजी में एक कप दही हमारा जा चुका है। अब इसको फर्मेंट करने के लिए हमने एक पैकेट इनो डाला है। इनो इसे इंस्टेंटली खमीर कर देगा और जो चावल और दाल का इडली हम लोग पेस्ट बनाकर रखते हैं उसे फर्मेंट करने के लिए ओवरनाइट रखना होता है, तो यहाँ ये सारा काम बहुत तेज़ी से हो जाता है। अब इसे इडली मेकर में डाल दें जिसे हमने पहले से ग्रीस करके रखा है और साथ ही एक कुकर में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख छोड़ा था। बस ये ध्यान रखना है कि इडली की निचली प्लेट पर पानी ना आ जाए। अब इसे ढक दें और यहाँ पर मैं इडली के लिए तड़का बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 1/4 कप सरसों, थोड़ी सी करी पत्ता और एक हरी मिर्च का तड़का बनाया है। ये जैसे ही चटक जाए इसको एक तरफ रख दें और अब इधर इडली भी तैयार हो चुका है। मैंने इसे 10 मिनट प्रेशर कुक किया है और कुकर पर सीटी नहीं लगानी है। तो अब इसे बाहर निकाल कर रखें और थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने से ये बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके लिए आप छुरी की नोक इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने तेल लगा कर रखा था इस वजह से ये बिल्कुल नहीं चिपका है और आप देख सकते हैं ये 10 मिनट के अंदर बनने वाला इडली कितना स्पॉन्जी और कितना फ्लफी बना है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है और बहुत जल्दी बनता है। ये बहुत हेल्दी होता है, आप इसे लंच में, डिनर में या स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। इसे बनाएं और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।